हजारों की संख्या हजारों रुपए जमा करता है और जब बीमा मिलता है तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, चाहे देवरी के हों चाहे किसली के हों, बहुत सारे किसान भाई लगातार पीड़ा से ग्रसित हैं, लगातार बात उठा रहे हैं कि हमें बीमा नहीं मिला 2019 का। इस बार तो और बड़ी बात हो गई, ये राजपत्र हमारे पास है, जो राजपत्र कांग्रेस सरकार को नहीं, मध्य प्रदेश सरकार को राजपत्र है। 14 जुलाई को राजपत्र है। ये राजपत्र में बहुत सारे पटवारी हलका, मैं फसलों का उल्लेख नहीं है, पत्र का भाइयों को मैं दे दूंगा, वहां पर किसी फसल का उल्लेख नहीं। क्यों नहीं भैया? वहां जब सोयाबीन बो रहे, मक्का बो रहे, धान बो रहे, तो ऐसा अन्याय किसानों के साथ क्यों? ऐसे गांव के अन्याय किसानों के साथ अन्याय क्यों? ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र तो चेहरा। राजपत्र की तारीख देख लीजिए आप लोग, 24 जुलाई 2020 का राजपत्र है। बहुत सारे पटवारी हल्का छोड़ दिए गए हैं और बीमा की राशि कैसे मिलेगी? लोगों की तैयारी थी, लोगों की तैयारी थी कि बीमा की प्रीमियम जमा करें, और कितने लोगों का हुआ जमा? बहुत सारे किसान भाई सर्वर डाउन न होने की वजह से, लॉकडाउन होना होने की वजह, लॉकडाउन होने की वजह से बैंक के चक्कर काटते रहे। दुर्भाग्य की बात है, बीमा का प्रीमियम जमा नहीं हुआ, पैसा जमा नहीं हुआ। जब पैसा जमा नहीं हुआ तो बीमा कैसे मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हुआ है। चाहती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता कि किसान को बीमा की राशि मिले, मुआवजा मिले। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बीमा की बात करी थी, ज्ञापन दिया था, मुआवजे की बात की थी कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, मुआवजे का सर्वे में भी भाई भतीजावाद हो रहा है। 28 जगह जहां चुनाव है वहां भरपूर मुआवजा देने की तैयारी है, भरपूर मुआवजा देने की तैयारी है, मगर कितने किसान भाई हैं यहां बता देंगे? कितने लोगों के यहां सर्वे दल पहुंचे हैं? हाथ उठा के बताओ। 2 लोगों के गांव में गए हैं, जबकि ये पूरी विधानसभा क्षेत्र के किसान हैं। जब सर्वे नहीं होगा तो मुआवजा कैसे मिलेगा, ये हमें पूछना चाहता हूँ। आज कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बेहद दुखी है, खून के आंसू रो रहा है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस पर विश्वास करिए। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात की है, सुर्खी हमसे दूर नहीं है, हम लोगों के रोटी बेटी के व्यवहार भी है, रिश्तेदारियां भी, समाज भी है, एक एक वोट